जयपुर के एमएनआईटी संस्थान में 3 दिवसीय मालवीय स्पोर्ट्स टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। टूर्नामेंट में देशभर के 16 संस्थानों की 17 टीमों के करीब 750 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। एमएनआईटी के सीनियर स्पोर्ट्स ऑफिसर डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने बताया कि टूर्नामेंट में बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी सहित कई इंडोर खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही है। ये टूर्नामेंट 2007 से आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस तरह की प्रतियोगिताओं से विद्यार्थियों का शारीरिक और मानसिक विकास होता है। इस टूर दो ये 2024 का जो एमएसटी है, इसके अंदर 17 संस्थान बाहर से आए हैं एमएनआईटी को छोड़ के, और करीब 750 के आसपास उनकी संख्या है। ये 16 तारीख से शुरू हुआ है और 18 तारीख को शाम को ख़त्म हो जाएगा। ये स्पोर्ट्स बच्चों के लिए हमने यहाँ पे कोच भी रखे हुए हैं, कोचिंग दी जाती है बच्चों को और बच्चों को तैयार किया जाता है। बेसिकली इंजीनियर हैं, पर हम इनको स्पोर्ट्स में भी बिजी रखते हैं जिससे ये मेंटली स्ट्रॉन्ग हो। हमारे यहाँ ये मालवीय स्पोर्ट्स टूर्नामेंट हो रहा है, इसमें लगभग 16 कॉलेजेस आई हैं। हम 1.5-2 महीनों से इसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैं कबड्डी खेलती हूँ। खेलने से यही होता है कि थोड़ा सा झिझक दूर जाता है, माहौल को कैसे हैंडल करते हैं वो सीख मिलता है, और सारा ज्ञान पढ़ाई के साथ साथ एक्टिविटी भी जरूरी होता है, थोड़ा पर्सनालिटी भी डेवलपमेंट होता है, दुनिया से कैसे लड़ना है ये सारे सीखने पड़ते, तो स्पोर्ट्स सबसे जरूरी है पढ़ाई के साथ। अभी तो दोनों मैच हार गए, बट बोलते हैं ना, हार से जीत का रास्ता बनता है, तो हार से सीखेंगे। जीतने वाले बस सीखते हैं, हारने वाले और ज़्यादा सीखते हैं।